कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउसिंग लोन के लिए बिल्डर, बैंकर और परचेजर के बीच में होने वाले ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट के बारे में। नॉर्मली जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर आपकी किस्तें बना देते हैं और आपका जो घर होता है, ड्वेलिंग होता है, फ्लैट होता है, उसको वो हाइपोथिकेट कर लेते हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन योर पार्ट तो आपका हाइपोथिकेटेड हाउस जो होता है उस पर बैंक का लेन हो जाता है। ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट में थोड़ी सी डिफरेंट बात होती है। इसमें बिल्डर आपको सजेस्ट करता है कि उनके कॉन्टैक्ट में जो बैंक्स हैं उनसे वो आपको लोन लेके देगा और वो स्वयं उनका गारंटर, आपका गारंटर बन जाएगा। इस तरह के एग्रीमेंट में आप क्या क्या बात एग्री करते हैं, बैंक क्या क्या कंडीशंस लगाता है और बिल्डर्स को क्या राइट रहता है या बिल्डर्स की क्या लायबिलिटी रहती है, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। नॉर्मली इन केसेस में 20% तक की जो अर्नेस्ट मनी होती है वो आपको पे करनी होती है। बाकी का 80% जो लोन होता है वो आप बैंक से लोन लेने के लिए एग्रीमेंट करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है या उनका जो प्लान होता है, बैंक को डायरेक्टली दे देता है और बिल्डर अपना काम शुरू करता है और आपकी, आपके लोन के अमाउंट के अकॉर्डिंगली जिस तरह की भी इंटरेस्ट मिलाकर किस्तें बनती हैं वो किस्तें तय हो जाती हैं जो आपको पे करनी होती है। यहाँ पर अगर आप किस्तें पे करने में डिफॉल्ट करते हैं तो बिल्डर आपके फ्लैट, ड्वेलिंग, वट एवर यू हैव रजिस्टर्ड फॉर, उसको कैंसिल करने का राइट रखता है और इसमें कैंसिल करने पर आपकी जो 20% रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है जिसे अर्नेस्ट मनी कहा जाता है वो भी वो जब्त कर ले सकता है। बैंक के पास ये राइट रहता है कि यदि आप डिफॉल्ट करते हैं तो वो इमीडिएटली बिल्डर को कॉन्टैक्ट करता है और बिल्डर से ये कहता है कि आप इनके गारंटर हो, या तो हमारे पैसे दिलवाइए या इस ड्वेलिंग पे, इस फ्लैट पे हमारा लियन क्रिएट हो गए हैं। एक और भी ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट होता है जिसमें बिल्डर ये कहता है कि आपको हम लोन लेके देंगे और गारंटर भी बनेंगे बैंक के सामने और जितने साल तक का कंस्ट्रक्शन चलता है तब तक की किस्तें भी हम पे करेंगे और आपकी किस्तें तब शुरू होंगी जब आपको मकान मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि आप इसमें 20% अर्नेस्ट मनी स्वयं दे रहे हैं और 80% अमाउंट आप बैंक से लोन ले रहे हैं और वो लोन की राशि डायरेक्टली बैंक आपके बिल्डर को दे देगा और बिल्डर अपना काम शुरू करेगा। ये जो किस्त आपकी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के पूरा होने तक की बिल्डर देगा वो एक्चुअली आपके 80% क्या 80% प्लस 20% जो टोटल अमाउंट आपका बिल्डर ने ले लिया है उस पर इंटरेस्ट ही होती है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट इस ड्यूरेशन में नहीं कटता। जब आपको पोजीशन मिल जाता है प्रिंसिपल अमाउंट तब कटना शुरू होगा विद इंटरेस्ट। यहां पर भी शर्तें वही रहेंगी, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट द इंस्टॉलमेंट हूसोएवर हैज टू पे। देखिए, आपने बैंक से लोन स्वयं लिया है, लोन की पेमेंट का लायबिलिटी आपकी है। इन केस बिल्डर आपकी वो पेमेंट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन नहीं देता तो बैंक आपको पकड़ेगा, बिल्डर को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि लोन उन्होंने आपके नाम पर दिया है और किस्तों को पे करने या करवाने का लायबिलिटी आपकी ही है। कभी कभी क्या होता है, इसमें समझ नहीं पाते हैं, उसमें लिखा होता है 3 साल तक किस्तें हम पे करेंगे और बिल्डर कंस्ट्रक्शन में 4, 5, 6 साल से ज़्यादा लगा देता है। बिल्डर आपको 3 साल तक किस्तें देता है और उसके बाद किस्तें बंद कर देता है जैसा उसने एग्री किया था।
किंतु आपको पोजीशन नहीं मिला होता, आप पर डबल भार पड़ता है। एक तो आप कहीं किराए पे रह रहे हैं तो किराया देना पड़ेगा और साथ में आपको किस्त भी देनी पड़ेगी क्योंकि आपको वह मकान नहीं मिला है। इन सच कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, आपके पास तो कोई माध्यम नहीं है किंतु बैंक के पास ये टर्म्स कंडीशंस आपने एग्री की हैं कि वो आपसे किस्त पे करने के लिए कहेगा। यदि आप किस्त पे नहीं करते हैं तो बैंक बिल्डर से कहेगा कि अब आप इनके फ्लैट को कैंसिल करिए और उस पर हमारी लीन क्रिएट करिए। और यदि बिल्डर इसी शर्तों के तहत आपके फ्लैट को कैंसिल करता है तो वो आपकी अर्नेस्ट मनी भी जब्त कर सकता है। ये इन ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट्स में क्लॉजेस होती हैं। अब डिफॉल्ट तो बिल्डर की तरफ से भी होता है कि वो आपकी किस्तें पे नहीं कर रहा, तो आपके पास क्या रास्ता है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और दो चीज़ों के लिए कह सकते हैं। एक तो आपकी किस्त नहीं पे की जा रही जो उनको उन्होंने वादा किया था कि पोजेशन के टाइम तक किस्त पे की जाएगी, और दूसरा आपका मकान भी टाइम से नहीं मिल रहा। नॉर्मली जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से जैसे 3-4-5 स्टेजेस में मकान बनना होता है, तो जिस स्टेज पे जितने जितने पैसे के डिमांड लेटर आपको मिलेगी आपको उस तरह से बैंक से पैसा विड्रॉ करना है और पैसा उनको देना होता है। इस तरह से आप 4 किस्तों में या 5 किस्तों में बैंक का लोन लेते हैं जिसपे एक तो इंटरेस्ट कम पड़ता है, दूसरा आपको किसी स्टेज पे यदि लगता है कि बिल्डर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा या कंस्ट्रक्शन धीरे चल रही है या वो स्टेज कंप्लीट नहीं हुई है जब आपको पैसा देना है, तो आप बिल्डर से कह सकते हैं कि आपकी स्टेज पूरी नहीं हुई है, इतना फ्लैट बना नहीं है, इसलिए अगली किस्त की डिमांड आपकी ठीक नहीं है। किंतु यदि आपने 80% प्लस 20% सारा ही अमाउंट बिल्डर को दे दिया है तो आप ये क्वेश्चन यदि करना चाहेंगे तो आपको कंज्यूमर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। वहां पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि डिले क्यों हो रहा है, और डिले होगा तो डिले की भी उसमें क्लॉज होती है कि अगर बिल्डर डिले करता है तो उसको कितनी पेनालिटी आपको देनी पड़ेगी,